बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं ऑपरेशन नज्म इस्तेहकाम को लेकर मुल्क भर में जो बहस छिड़ी हुई है। वजीर आजम हाउस से जारी एलामिये में कहा गया है कि गलत फहमियों को दूर करने के साथ इस मौजू पर गैर जरूरी बहस को खत्म करना चाहिए। बड़े पैमाने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। गलती से इसका मुवाजना गुज़श्ता मुसल्ला ऑपरेशन जैसे ज़र्बे अज़्ब, राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। इन ऑपरेशंस में रियासती रिट चैलेंज करने वालों को शिकस्त दी जा चुकी और इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज या दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है। मौजूदा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद इंटेलिजेंस बुनियाद पर मुसल्ला कार्रवाइयों को मजीद मुतहर्रिक करना है। ऑपरेशन का मकसद नज़रसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के निफाज में नई रूह और जज्बा पैदा करना है। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों की सहूलतकारी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ना है ताकि मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाया जा सके। ऑपरेशन में पहले से जारी कार्रवाइयों के अलावा सियासी, सिफारती, कानूनी और मालूमती पहलू शामिल होंगे। पीएम हाउस के एलामिये के मुताबिक हमें कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाक राय के मस्बत इकदाम की पजीराई करनी चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम पायदार अमन के लिए कसीर अलजहती और सिक्योरिटी इदारों के तआवुन का कौमी विजन है। आपको बता दें बड़े मामले के बारे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर मुल्क भर में जो बहस छिड़ी हुई है, वजीर आजम हाउस से जारी एलामिये में कहा गया है कि गलत फहमियों को दूर करने के साथ इस मौजू पर गैर जरूरी बहस को खत्म करना चाहिए। बड़े माने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। गलती से इसका मुवाजना गुज़श्ता मुसल्ला ऑपरेशंस जैसे ज़र्बे अज़्ब और राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। इन ऑपरेशंस में रियासती रिट चैलेंज करने वालों को शिकस्त दी जा चुकी है और इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज या दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है। मौजूदा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद इंटेलिजेंस बुनियाद पर मुसल्ला कार्रवाइयों को मजीद मुतहर्रिक करना है। ऑपरेशन का मकसद नजरसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के निफाज में नई रूह और जज्बा पैदा करना है।